हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होगी। देखिए, और अश्विन देखिए, सुबह सुबह मैं लेके अपना मोबाइल टहल रहे हैं और आज जो है ढेर सारा कोहरा है। मैं चल रहा हूँ छत पे, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलते हैं छत पे, दिखाते हैं आप लोगों को कि कितना ढेर सारा कोहरा है। मेरे पीछे देख रहे होंगे आप लोग, धुंध है, पूरी तरीके से धुंध है। और ये देखिए आकाश, अश्विन के नए दोस्त हैं ये। हम लोग चलते हैं छत पे, अभी दिखाते हैं आप लोगों को। तो चलते हैं छत पे, छत से पूरा नजारा देखते हैं कैसा है नजारा। ओहो, छत पे तो पूरा पानी पानी हो रखा है। और धुंध में देखिए कुछ दिख नहीं रहा है। आसपास में देखिए थोड़ी बहुत बिल्डिंगें दिख रही हैं, गाड़ी पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा होगा गाड़ी। बहुत धुंध है, काफी सचारा धुंध है इस टाइम में। देखिए दोस्तों, यहां से देखने में देखिए पता चल रहा है आप लोगों को, चारों तरफ पूरा धुंध ही धुंध है। ठंड का ये पहला दिन है, और यानी ठंड का पहला दिन बोले तो ये धुंध का पहला दिन है इस तरीके से, जबकि बिहार में इस तरीके का धुंध छाया हुआ है यहाँ पे। इस धुंध को देख के एक बात याद आ रही है दोस्तों, कि आप लोगों से एक गुजारिश है, ये कहेंगे कि इस टाइम में अगर आप ड्राइविंग करते हैं, कहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा समय पहले निकलिए। अगर टाइमिंग आपका 9 बजे है या 9:30 है या 10 बजे है, तो जो भी टाइमिंग है उस टाइमिंग से जब आप निकलते थे, सोचते थे कि हाँ जहाँ पर हम 10 मिनट में पहुँच रहे हैं, तो अगर ऐसा धुंध है तो ये मान के चलिए कि आप 10 मिनट के बजाय 30 मिनट का समय लेके चलिए। क्योंकि देखिए धुंध में बाइक हो या फोर व्हीलर हो या बड़ी गाड़ियां हो, आप लोग उस स्पीड से नहीं चला सकते जिस स्पीड से नॉर्मल में चलाते हैं, और चलाना भी नहीं चाहिए। अगर धुंध में इस तरीके का स्पीड अगर आप बना के रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट का एक कारण बनता है। तो इसके वजह से कम इस बात का ध्यान जरूर रखें, जो कि मैं क्योंकि धुंध की वजह से जो है धुंध होने की वजह से, और रोड के बगल में मैं खड़ा हूं, तो इसलिए मुझे याद आया कि ये बात जो है ठंड से पहले आप लोगों के बीच में शेयर कर दूं। क्योंकि जानते तो सभी हैं लेकिन थोड़ा सा मानते कम लोग हैं, तो इसलिए दोस्तों आप लोग जो है थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि आपका जीवन और आपके परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है कीमती होता है। देख सकते हैं ये देखिए स्पीड, बस है, बस में देख सकते हैं ये स्पीड है बस की, तो कहीं ना कहीं स्पीड ज़्यादा है बस की। और एक्सीडेंट इस टाइम मतलब कि 50% से अबव जो एक्सीडेंट का कारण होता है वो धुंधी होता है, मतलब धुंध में आगे ना दिखना, ये वजह होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मतलब जो आपको मैंने हम बताया बात, वो बात को आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। और फिलहाल चलते हैं नीचे, अश्विन क्योंकि अकेले हैं, अश्विन नीचे अकेले ही हैं, तो नीचे चलते हैं। इधर कपड़े भी हैं, समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ठंड में होती है कपड़े सुखाने की, सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कपड़े सुखाने में। तो ये देखिए इन लोगों का जो है गेम स्टार्ट हो गया है। क्यों आकाश, ये खेल कूद स्टार्ट हो गया इन लोगों का, शुरू कर दिए हैं खेलना कूदना अपना। क्या खेल रहे हैं आप लोग, हाँ कौन सा खिलौना? डमरू बज ही नहीं रहा है, मतलब ऐसे ही डमरू बजा रहे हैं। कौन सा कंकड़? तो उसका उसमें आवाज आ रही लेकिन उतनी तेज नहीं आ रही है आवाज। ये आराध्या, आराध्या भी आ रही हैं।
आराध्या, नाश्ता हुआ आपका? खाना हुआ आपका? हाँ, क्या खाया खाने में आपने? कुछ नहीं खाया ही नहीं अभी खाना? हाँ, अभी नहीं। चलिए बनाइए केक। ये देखिए दोस्तों, तो ये सब जो है देखिए रूम में आ गए। हाँ बोलिए। किससे? टेक ओवर भाई। देखिए ये इनके फैन है टेक ओवर भाई के। ये देखिए ये सब जो है गेम खेलने के लिए बैठ गए हैं। लेकिन मैं चली वाली चुरपुटिया बजाने। आइए खेलिए आराध्या, नीचे बैठिए। अब बताइए आराध्या क्या खाई थी आप? मोहनिया कौन सा आइसक्रीम खाई? स्ट्रॉबेरी वाला, चोको वाला। अच्छा चोको वाला बार खाई थी ना? हाँ ठीक है। तो ये देख लीजिए इन लोगों का खेल खिलौना फैल गया है तीनों लोगों का। बैठ जाइए नीचे बैठिए। कौन? दोनों लोग। आप नहीं खेल रहे? आप भी तो खेल रहे हो। हाँ आप नहीं खेल रहे हो क्या? हाँ 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 पटाखे कहाँ भेज, कहाँ पटाखे पे भेज दिया? पीछे जाइए निकालिए पर पटाखे। हाँ पटाखे पसंद आ जाइए। नहीं सूत्री फेंकिए नहीं, टूट जाएगा ये। फेंकना क्यों है? सुतली थोड़ी ना है, वो ब्लॉग है, सुतली है। पटाखा नहीं, ये पटाखा बजने वाला होता है। ठीक है ये गन पा गई आराध्या, गन पा गई क्या आप? जरा मुझे तो देखो। तो देख सकते हैं दोस्तों ये लोग देखिए कितना खेलने में मस्त है सारे लोग। कलर आपको पता है राध्या? मुझे भी पता। कलर पता है? ये कौन सा कलर है? ये कौन सा कलर है? ग्रीन है। हाँ ये कौन सा है? ये कौन सा कलर है? ब्लू। ब्लू है। हाँ आराम से। अच्छा ये ब्लू है ना? हाँ ब्लैक। राधे ले लीजिए। और ये ब्लैक एंड ऑरेंज है। हाँ सारे पटाखे ना मेरे। और ये लाल है, और ये ग्रीन है, और ये भी लाल है, और ये लाल। पीछे उधर उधर मत रखिए ठीक है, इधर आइए। हाँ आइए चलिए सारे पटाखे और ये सब देख के चलिए। कोई ले ना इसमें जिम तो दोस्तों शाम के 5 बज गए हैं और हम लोग शाम का नाश्ता तैयार करने जा रहे हैं। नाश्ते में अभी देखिए सुधा जी नहीं आई है, 5 बज गए हैं। ये देखिए इनको लग गई है भूख। ठीक है तो हम लोग देखिए अंडा निकाले हुए हैं, अंडा निकाले हुए हैं, ये अंडा फोड़ने के लिए तैयार है। अरे रुकिए भाई, तो 3 अंडे का हम लोग बनाने जा रहे हैं एग रोल। ठीक है तो शाम के नाश्ते में बनाने जा रहे हैं एग रोल। तो फिलहाल तब से बना लेते हैं, और क्योंकि देखिए
अश्विन तो हो गए हैं एकदम भूखे, ठीक है। ये देखिए क्या खा रहे हैं, पत्ता गोभी खा रहे हैं, ठीक है। इन्हें बहुत पसंद है पत्ता गोभी। और ये हम लोगों का किचन है, इस तरीके से दोस्तों हम लोगों का किचन है, देख सकते हैं। ये छोटा सा किचन है, देख सकते हैं कि दिन में कोई नहीं रहता है तो मतलब जैसे तैसे खाना पीना खा के थाली वगैरह छोड़ छाड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं, रेडी कर लेते हैं एग रोल, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, बनाते हैं एग रोल, ठीक है। 3 hours later. तो दोस्तों रात के 8:30 बज गए हैं और देखिए खाना बनना स्टार्ट हो गया भाई। अब खाने में क्या है खाने में बहुत ही जबरदस्त चीज बनने वाली है आज। नाक भी चू रहा है इनका। अश्विन हाँ, क्या खाएंगे आज? हम लोग किचन में ही हैं। हाँ? गुड़ बहुत है। A few moments later. तो दोस्तों रात के बज गए हैं 9:15 और फिलहाल ये अश्विन जा रहे हैं ड्राइंग करने और मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। ये देखिए अश्विन पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मा इनकी सो चुकी हैं यानी लेट गई हैं, पता नहीं नींद आ रही नहीं आ रही पता नहीं, ठीक है। तो ओके दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पेंट करेंगे। कल होगा 3 दिसंबर और कुछ खास होगा। कल के ब्लॉग को देखना मत भूलिएगा, कल ब्लॉग होने वाला बहुत ही तगड़ा, ठीक है। कल 3 दिसंबर है और आप लोग को पता होगा। तो छुट्टी है तो क्या है इतना, तो ठीक है दोस्तों फिलहाल आज इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तो मिलते हैं, बाय बाय।